दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल ब्रांच चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वैसे मैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप्स है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में खास बात यह है कि ये ऐप्स आगे से तो यह कैलकुलेटर है लेकिन इसके अंदर आपकी सारी पर्सनल चीज़ें छिपी रहती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों चलो इसे शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्निकल ब्रांच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप देख सके सबसे पहले। दोस्तों अगर आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें रखते हैं जैसे किसी का फोटो या कोई वीडियो, आप इस एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई भी समझेगा कि ये तो एक कैलकुलेटर है। वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो आपके पर्सनल चीज़ों को देख नहीं पाएगा और आपके फ़ोटो या वीडियो मेमोरी के अंदर भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको ये जो गूगल प्ले दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर ओपन करना होगा। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर वॉलेट फोटो वीडियो लॉकर, उसको ओपन करना होगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसीलिए मैं ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, सेट ऐप पासवर्ड, आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको 4 अंक का कोई भी पासवर्ड आप इसमें सबसे पहले डालना होगा। जैसे मैं डालता हूँ इसमें 9999। उसके बाद ये नीचे जो बराबर का चिन्ह दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपसे इंटर योर पासवर्ड अगेन एंड फ्रेश, यानी री एंटर करने को कह रहा है। तो फिर से हमें वो 4 अंक का पासवर्ड आपको डालना होगा और फिर से उसी बराबर वाले को क्लिक करना होगा। जैसे ही हम करते हैं तो हमारा ये सक्सेसफुल हो जा रहा है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ। उसके बाद में कुछ इस तरह का एक आ गया ऑप्शन पिक्चर का और एक डाउनलोड्स का। तो जैसे मैंने कोई फ़ोटो रखना है इसके अंदर तो मैंने पिक्चर वाले को क्लिक कर देंगे। पिक्चर वाले को क्लिक करने के बाद में ये नीचे में जो गैलरी जैसा दिखाई दे रहा है, जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है, उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जैसे दोस्तों ये मैं किसी फ़ोटो को रखना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों मैं ये 1, 2, 3, 4 फ़ोटो को मैं अपने गैलरी के अंदर रखना चाहता हूं, तो जो कॉर्नर में एक ताला जैसा बना हुआ है उसको हम सेव करेंगे। जैसे सेव करते हैं तो ये फ़ोटो हमारे गैलरी के अंदर चला जाता है। दोस्तों ये हमारे गैलरी के अंदर चला गया। उसके बाद अगर हम कोई वीडियो रखना चाहते हैं तो जो ये नीचे वीडियो का एक ऑप्शन आ रहा है उस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक वीडियो का और एक डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है। हम जिस फाइल में रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो रखना चाहता हूँ अपनी कोई, तो वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और नीचे में देखिए एक वीडियो और प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक किए तो कुछ इस तरीके का आ गया वीडियो। जैसे मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो 1, 2 वीडियो मैं इसके अंदर रखूं तो साइड वाले जो अपना ताला जैसा बना हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो 2 वीडियो है हमारा इसमें सेव हो गया।
और जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं तो इस ऐप्स लॉक को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ओके ओके करने को कह रहा है, तो हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर पे बना हुआ है गैलरी लॉक वो ऑफ है, उसको हम यहाँ से परमिशन ले लेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमारे सारे ऐप्स जितने भी हमारे मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं इस तरीके से दिख जाएंगे। जैसे ये व्हाट्सएप मैंने लॉक कर दिया, यहाँ फेसबुक इसको भी मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम होम अपने स्क्रीन के होम स्क्रीन पे चले जाते हैं, और जैसे ही हम अपने व्हाट्सएप को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही पासवर्ड मांग रहा है जो मैंने कैलकुलेटर में पहले डाला था, यानी कि 9999। जैसे मैंने 9999 किया एक खुल गया। दोस्तों इसमें खास बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 999 के बाद हमारा अपने आप ये खुल जाता है। खुलने के बाद में दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमने कोई और कलर चूज करना है, जैसे यहाँ इतने सारे कलर हैं कैलकुलेटर के, जैसे इस कलर को अगर हम अपने होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमें पता है सिर्फ कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, ये और किसी को पता नहीं है, तो वो कितना भी इसके अंदर ढूंढता रह जाएगा उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो कैलकुलेटर समझेगा इसको और कैलकुलेटर की तरह इसको समझेगा और कैलकुलेट करेगा, और इससे ज़्यादा उसे पता नहीं चल पाएगा, और आपकी गुप्त चीज़ें इसके अंदर रखी रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऐप्स है। अगर ये ऐप्स आपको डाउनलोड करना होगा तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के मैं आप इसका लिंक दे दूँगा और आप इस लिंक में जाकर भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे कृपया लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।